प्रयागराज में बुधवार रात सिविल लाइन के स्पा सेंटर पर नशे में पहुंचकर एक दरोगा ने वहां की महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी की तो हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने आरोपी दरोगा को हिरासत में ले लिया है, वहीं उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में FIR भी दर्ज कर ली है। आपको बता दें, सिविल लाइन स्थित हॉट स्टफ चौराहे के पास स्थित थाई स्पा सेंटर में हंगामे की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन चौकी इंचार्ज राकेश शर्मा पहुंचे। वहां पर दरोगा को समझाने का प्रयास किया तो नशे में धुत दरोगा चौकी इंचार्ज से भिड़ गया। उसने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो हाथापाई पे भी उतर आया। किसी तरह अन्य पुलिस कर्मियों ने मामला शांत कराया और आरोपी दरोगा को सिविल लाइन थाने लेकर आए। आरोपी का देर रात मेडिकल भी करवाया गया। वही SSP शैलेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपी मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और उसका इलाज भी चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।